फूलपुर को पाकिस्तान का सबसे पुरमन और महजब गांव होने का एजाज़ हासिल है। यहां के वासियों का दावा है कि यहां गुज़िश्ता 100 बरसों से कोई जुर्म नहीं हुआ और गुज़िश्ता 100 साल से ही यहां की शरह ख्वानदगी 99% है। रसूलपुर के वासियों को कहना है कि अपने बेहतरीन तलीमी निज़ाम की वजह से रसूलपुर ने यूरोप और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। रसूलपुर की शरह ख्वानदगी भी पाकिस्तान के दीगर शहरों से बहुत बेहतर है। यहाँ मर्द और औरत सब तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ के स्कूलों का नस्ब ज़ब्त और तलीमी मेयार काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, रसूलपुर के एक बशिंदे से इस हवाले से जब सवाल किया गया तो इन्होंने कहा, यहाँ के सब बड़े तालीम याफ्ता हैं, जिस वजह से बच्चे और बड़ों को देख कर आला तालीम हासिल कर रहे हैं। इस गांव के हवाले से एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहां की अक्सर दुकानों में सिगरेट तक मौजूद नहीं, क्योंकि यहां सिगरेट बेचने पर पाबंदी आयद है। दोस्तों, बच्चे तो दूर, यहां बड़े बुज़ुर्ग भी सिगरेट नहीं ख़रीद सकते। यहां के बशिंदों का कहना है कि पाकिस्तान की तलीम की बुनियाद शायद रसूलपुर से निकली है, क्योंकि यहाँ आपको गली गली में एमए तालीम से कम शख्स नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ अगर कोई शख्स गाड़ी पर जा रहा हो तो इसकी कम अज़ कम तलीम भी PhD होगी। इस गांव की बाकायदा एक तंजीम भी बनी हुई है जो नई सड़कों की तामीर और टूटी फूटी गलियों की मरम्मत की ज़िम्मेदार है। ये तंजीम गांव के वासियों से पैसे इकट्ठी करती है और टूटी गलियों की मरम्मत फौरी तौर पर यकीनी बनाती है।